हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैं लास्ट वीक थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था 3-4 दिन से। अब से आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली वीडियो मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस कल के सेशन के लिए। निफ्टी अगर आप देखो, एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था यहाँ से, और अब जाके इसमें लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे सर्कल करूँ तो आपको दिख रहा होगा लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन है। इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। तो डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं निफ्टी में कंफर्म हो चुका है। तो कोई भी अगर बाउंस आता है 11,300 के आसपास, काफ़ी अच्छा शॉर्ट हो सकता है निफ्टी 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। 11,300 के आसपास आपको शॉर्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है निफ्टी में, इंट्राडे में भी और पोजिशनल भी। सो शॉर्ट की तरफ आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। 11,300 के आसपास काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा शॉर्ट करने के लिए 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे इसने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर अब बाउंस कर रहा है। 22,000 के अराउंड एक काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में भी। 22,000 एक राउंड ऑफ नंबर है, लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल होगा। सो 22,000 काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा शॉर्ट करने के लिए। 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हो अराउंड 22,000 लेवल के आसपास। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स कल के सेशन में, आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा SBI लाइफ। SBI लाइफ में अगर आप देखो, एक अच्छा खासा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, और ये जो रेड कैंडल था इसमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, इसका लो टूटा नहीं है, फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आया है, इनफैक्ट फॉलो थ्रू बाइंग आ रहा है इसमें। सो इसमें एक काफ़ी अच्छा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। सेकेंड स्टॉक होगा लुपिन। लुपिन में भी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज भी इसने 980 का लेवल ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वापस इसमें रिकवरी हमें देखने को मिली है। और ये एक लेवल है, अगर ये इन्वर्टेड हैमर क्रॉस करता है तो एक अच्छा आपको हमें देखने को मिल सकता है। 20-25 रुपये का इंट्राडे में आपको हमें देखने को मिल सकता है लुपिन में। तो एक्जैक्टली कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा HUL। HUL का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, और इसमें प्योर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो एक फॉल आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ और वापस फॉल चालू हुआ है। HUL काफ़ी अच्छा शॉर्ट रहेगा। एक्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन HUL का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अब से आपको डेली बेसिस पे रेगुलरली वीडियोस मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।